वेलकम बैक। टुडे वी विल सी अनदर क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट 2015 ऑफ ग्रुप सी। द क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वी एज ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। इफ पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिफाइंड बाई दिस वे, ओके, इन वी and linear transformation from V to V is the image of Px under T is given as in this form, then what are correct options? Okay, तो देखिए इसको हम लोग बहुत ईजी वे में सोल्व करेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखिए असल में यहाँ पर आपको जो डिग्री है वो एट मोस्ट एन दे रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि एन का कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए एन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है। एन को अगर 2 लेंगे तो डेफिनेटली इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, 2 के लिए हमको जो डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2+1 यानी 3, ठीक है। तो जो बेसिस के एलिमेंट्स मेरे को मिलेंगे स्टैंडर्ड बेसिस फॉर पॉलिनोमियल वो होगा 1x x स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। ओके, तो बहुत इजी वे में इसको हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एक फॉर्म में क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम लेते हैं 1x और x स्क्वायर बेसिस, ठीक है, तो दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी बेसिस आपका हो गया 1x x स्क्वायर और इधर भी आपका बेसिस हो गया 1x और x स्क्वायर, ठीक है जी, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन आपका t, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग 1 की बात करेंगे, अगर हम लोग px 1 लेते हैं, ठीक है, बात समझिएगा, हाँ, इफ़, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, 1 का इमेज देखना है कि 1 का इमेज क्या आएगा, जो भी इमेज आता है उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 1x और x स्क्वायर के, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम px 1 लेते हैं, मतलब पॉलीनोमियल अगर मेरा 1 है, ठीक है, तो 1 होने का मतलब क्या है, जब हम इससे कंपेयर करेंगे जो पॉलीनोमियल का यहाँ पर फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा, ठीक है, कि सिर्फ आपका a नॉट 1 होगा, बाकी जितने भी हैं a1 और a2 ही तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जो है फॉर डायमेंशन 3 के लिए काम कर रहे हैं। तो a1 आपका 0 हो जाएगा और a2 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जो टी ऑफ px होगा यानी टी ऑफ 1 होगा वो क्या होगा, तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है, यानी आपको लास्ट से शुरू करना है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे a2 प्लस a1x और प्लस ए नॉट एक्स स्क्वायर, ऐसे आप जाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ए टू और ए वन जीरो है, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए नॉट को 1 पुट अप करेंगे तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको हम जब वापस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ऑफ बेसिस ऑफ कोडोमेन, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो हमको फर्स्ट जो कॉलम मिलना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर कॉलम 1 जिसको आप बोल सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है सिंपली क्या, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करें तो देखिएगा, चूँकि एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ गामा का कोएफिशिएंट 1 मिलेगा, बाकी अल्फ़ा बीटा आपको 0 मिलेगा, सो इट इज़ 0, 0 एंड 1। बात फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह का मैट्रिक्स हमको यहाँ पे क्या है, दिखाई देता है, ठीक है जी, 0, 0, 1 इस तरह का, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से जब हम लोग सेकंड का इमेज देखेंगे यानी एक्स का इमेज देखेंगे, तो अगर हम पी एक्स को पॉलीनोमियल को एक्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, फिर से आप कंपेयर कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका ए वन जो है 1 होगा, बाकी आपका जो ए नॉट है और जो a2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी इमेज निकाली जाए tx की, तो इसकी इमेज, ठीक है, तो आप जब भी लिखेंगे तो इसी फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है ना।
कैसे लिखेंगे आप, तो इसको आपको उल्टा लिखना है, तो इसको आप लिखेंगे ए टू प्लस ए वन एक्स प्लस क्या ए नॉट एक्स स्क्वायर। इमेज का तो फॉर्म फिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बार आपका ए टू और ए नॉट जीरो है, तो ए वन सिर्फ बचा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक्स मिल रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग कॉम्पेयर करें अगेन इस लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो जो हमको दूसरा जो सी टू जो कॉलम मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर, वो क्या मिलेगा, वो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका अल्फा हो जाएगा 0, बीटा हो जाएगा 1 और गामा हो जाएगा 0, ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से, ठीक है, जब हम लोग लास्ट वाला का इमेज फाइंड आउट करेंगे, यानी इस एक्स स्क्वायर वाले का, ठीक है, तो अगर पी एक्स को ले लिया जाए क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अब जब कंपेयर कीजिएगा आप, तो हम लोगों को ये दिखेगा कि ए नॉट और ए वन ये हो जाएगा 0 और ए टू हो जाएगा क्या 1, ठीक है। तो जो टी एक्स मेरे को मिलेगा, टी एक्स स्क्वायर सॉरी, जो इसका इमेज मिलेगा वो क्या होगा, अगेन वो तो फॉर्म वही है, ए टू इंटू ए प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस बार सिर्फ ए टू आपका 1 है, तो ये आपको जो है 1 मिलता है, ठीक है ना। अब इसको अगेन अगर मैं कंपेयर कर लूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 x एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इस बार आपको ये दिख रहा है कि अल्फ़ा 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि कंपेयर कीजिएगा तो अल्फ़ा 1 होगा, बीटा और गामा आपका 0 होगा, ठीक है। तो जो थर्ड कॉलम या थर्ड जो मेरे को कोऑर्डिनेट वेक्टर मिलता है, अगेन अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होगा, वो होगा 1 0 0, ठीक है। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो जो 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस बी, वो क्या आ गया, वो आ जा रहा है आपका 0 0 1, फिर आपका 1 0 0, 0 0 1, 0 1 0, ठीक है। इसके बाद आपका आया था क्या यहाँ पे 0 1 0 और ये 1 0 0, ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के हिसाब से ये आपका आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, ठीक है, तो अरेंज करने पर ये आपको रो इकहलन फॉर्म हो जाएगा डेफिनेटली, और रो इकहलन फॉर्म जब हो जाएगा तो हमको हर रो में डेफिनेटली पिवोट्स मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से कह सकते हैं ये डेफिनेटली कि इसका जो रैंक है वो मैक्सिमम है, ठीक है, जो रैंक है टी का वो आपको 3 आएगा, यानी मैक्सिमम आएगा, चूंकि इसमें 3 नॉन जीरो रो है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि टी मेरा क्या है, टी मेरा है 1 1। क्यों 1 1 है, इसलिए कि जो डिटर्मिनेंट होगा टी का वो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो टी आपका 1 1 है। अब देखिए, चूंकि टी जो है वो भी टू भी, यानी सेम वेक्टर स्पेस में काम कर रहा है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, तो टी आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी मिल गया, तो यहाँ से ये इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए जहाँ तक डिटर्मिनांट का सवाल है, तो इसका जो डिटर्मिनांट है, आप लोग पढ़े हैं किसका डिटर्मिनांट क्या होता है, ये होता है -1 का पावर, ठीक है, अपर सेलिंग n/2। तो यहाँ पे तो आपका n जो है वो चूंकि 3x3 है, ठीक है ना, मतलब जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसके लिए, तो -1। तो अब यहाँ पे देखिए, ये चूंकि -1 का पावर है, हम लोग यहाँ पे n=2 लिए हैं, तो डिफरेंट n के लिए इसका वैल्यू -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को देखें बारी बारी से, तो पहला वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट और चौथा भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शंस वो क्या हैं, वो आपके सारे ही हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। इस तरीके से बनाना था गाई, ठीक है, और ये आई होप कि आपको इजी लगा होगा और आपने इसी तरीके से किया भी होगा, या आपने किया है तो इसी तरीके से किया होगा, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और डील करना है, इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको चलिए एक होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। जो है सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ मैं
जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सब सेम रहेगा, मतलब पी एक्स आपको वही ही लेना है, पी एक्स का फॉर्म वही है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस, ठीक है, ए टू एक्स स्क्वायर एंड ए एन एक्स एन, ठीक है। अच्छा, और जो हम लोग इमेज ले रहे हैं टी फ्रॉम वी टू वी, तो वो आप डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ए नॉट माइनस ए वन एक्स, ठीक है, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस गोइंग टू शो ऑन माइनस वन का पावर एन और ए एन एक्स एन, ऐसा, ठीक है। तो अब आपको इसमें ऑप्शन चूज़ करना है कि देन टी इज़, टी क्या क्या होगा, एक तो वन वन, ठीक है, बी ऑन टू सी इन्वर्टिबल, ओके, और ऑप्शन डी है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा टी का वो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये आप चेक करके बताइएगा मेरे को कि कौन कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से बनना है जैसे आपने ऊपर बनाया है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर, बस यहाँ पे इमेज का जो फॉर्म है उसको, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएगा उसको आप नोटिस कीजिएगा और इसको बना करके आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डेली बेसिस पे आपको मैं कंटेंट दूंगा जब तक आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। एंड जो भी आपके साथ दिक्कत हो वो कमेंट करें, या अच्छे कमेंट्स आप करेंगे तो मुझको अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।